नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सबके दिमाग में एक बात है कि हम अपना पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ रिस्क फ्री हो और रिटर्न भी ज़्यादा मिले। तो ऐसे एक जगह के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, वह जगह है निफ्टी 50 के इंडेक्स में। तो चलिए थोड़ा चार्ट की नज़र तो चलिए ज़रा चार्ट के ऊपर नज़र डालते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स के। निफ्टी 50 के चार्ट को देखेंगे तो ये देखिए निफ्टी 50 मैं सर्च किया और निफ्टी 50 का जो करंट प्राइस है आज का वो आपके सामने आ गया है। ये देख सकते हैं 11,333 रुपये के आसपास है। अब चलिए इसके मैक्सिमम चार्ट को देख लेते हैं, आज तक के चार्ट को जब से निफ्टी 50 है तब से का। तो देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट में आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि इसके जो प्राइस में बढ़ोतरी हो रहा है प्रतिदिन, उसका जो ग्रोथ है वह प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम निफ्टी 50 के इंडेक्स में अपना पैसा को इन्वेस्ट करें तो हमें हमारा पैसा जो लगा है निफ्टी 50 के इंडेक्स में उसमें हम कोई रिस्क नहीं रहे उसमें हमें कोई रिस्क नहीं रहेगा, साथ ही वह पैसा हमारे लिए पैसा कमाता ही रहेगा। यहाँ आप रिस्क फ्री भी कह सकते हैं। अगर इसमें आप अपना पैसा 2 साल 3 साल या 4 साल या 5 साल के लिए SIP या इन्वेस्ट करते हैं तो आप मान सकते हैं कि यहाँ आपका पैसा रिस्क फ्री है और प्रति वर्ष आपको 6% से अधिक मुनाफा मिलता ही रहेगा, क्योंकि इंडेक्स हमेशा ऊपर जाता है, जाता ही रहेगा। जब से बना है इंडेक्स तब से ऊपर ही जा रहा है और जाएगा ही हमेशा, क्योंकि इंडेक्स कोई एक कंपनी नहीं है, ना ही कोई एक किसी एक के ऊपर डिपेंड है। यह टॉप के 50 कंपनियों का एक समूह है और जो इस समूह में ठीक से काम नहीं करते हैं, जिनको निकालने जिनको इस समूह में रखने लायक जो रखने लायक नहीं रहते हैं उनको इस समूह से बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से टॉप के अच्छे कंपनियों का जो समूह है वह निफ्टी 50 है और उसी के इंडेक्स में मैं बात कर रहा हूं अपने पैसा को इन्वेस्ट करने का। तो चलिए थोड़ा नज़र घुमाते हैं कि अब इस इंडेक्स में हम अपना पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस इंडेक्स में अपना पैसा लगाने के लिए हम सीधा इसी प्राइस में इसी इंडेक्स को बाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको निफ्टी 20 का चार्ट देखते हैं। जो निफ्टी 20 है वह निफ्टी 50 का ही एक छोटा सा अंश है, एक टुकड़ा है, उसका एक हिस्सा है। आप इस निफ्टी 50 के हिस्से में आप अपना पैसा लगा सकते हैं और इसमें पैसा लगाने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें आप अपना इन्वेस्ट इस इंडेक्स में करना प्रारंभ कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया रिस्क फ्री है। यहाँ आपके पैसे में कोई रिस्क नहीं है क्योंकि इंडेक्स आप रहें या ना रहें ऊपर ही जाएगा। जब भी रहेगा इंडेक्स हमेशा ऊपर जाता ही रहेगा क्योंकि कंपनियां आते रहेंगी जाते रहेंगी, लेकिन इंडेक्स स्थिर रहेगा और यह हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ता रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसको हम बाई करके कैसे करेंगे अपने
डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के टर्मिनल में, तो उसके लिए मैं आ जाता हूं अपने डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आप स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट है, इसमें आने के बाद हम सर्च करेंगे यहां निफ्टी 20। ये देखिए इस तरीके से सर्च किए तो आ गया हमारे पास निफ्टी 20, निफ्टी इंडेक्स का एक छोटा सा अंश जहां हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जैसा परफॉर्मेंस निफ्टी का होगा उसी तरीके से परफॉर्मेंस इस निफ्टी 20 का भी होगा। और जो मुनाफा हमें निफ्टी इंडेक्स देगा वही मुनाफा हमें निफ्टी 20 भी देगा, क्योंकि यह निफ्टी 20 इंडेक्स उसी इंडेक्स निफ्टी 50 के इंडेक्स का ही एक अंश है। तो आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे निफ्टी के इंडेक्स में अपना पैसा लगा सकते हैं और वहाँ आपके पैसे में कोई रिस्क नहीं है, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं होगा, क्योंकि इंडेक्स हमेशा ऊपर जाता ही रहेगा। तो आप इसमें अपना पोजीशन बाई करके जितना क्वांटिटी चाहें उतना, यहाँ 1, 10, 100 आप अपने बजट के हिसाब से क्वांटिटी रख सकते हैं। साथ ही आप जब चाहें तब इसको बाई कर सकते हैं, और आप बाई किए हुए को जब चाहें तब सेल भी कर सकते हैं, यह खासियत है इसमें इन्वेस्ट करने के। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप निफ्टी 50 के इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट करके अपना पैसा को सुरक्षित रख के उस पैसे से मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।